नाउ हमेशा से मेरा पहला टॉपिक हर एक वर्कशॉप का एक ही होता है, सिर्फ एक ही टॉपिक है, लेकिन इसको क्लियर करने में कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारा 3 डेज बूट कैंप अटेंड किया है? 3 डेज बूट कैंप कितने लोगों ने अटेंड किया है? वाओ, पहला टॉपिक यही था? यस। क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल और कुछ है ही नहीं, यही है सबसे ज्यादा पावरफुल चीज। और पहली बात तो ये लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है उनको गलत पता है। रटी रटाई चीजें हमारे पास हैं। मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए माइक लेकर पब्लिक में। एनीबडी हेयर? योगेश वंजारी जी, अगर आप मेरी कहीं आवाज सुन रहे हो, मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए माइक लेकर हर समय तैयार। ओके, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर व्हाई, व्हाट एवर यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, आप काम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, सभी सक्सेसफुल हैं, यहां पर जितने लोग आए हैं सभी सक्सेसफुल लोग आए हैं, मैं जानता हूं। बट वट एवर यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग, और अगर ये सही जवाब आपको मिल गया तो आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, मैं एक दो लोगों से सुनना चाहता हूं। मुस्तकिन, देखो किन लोगों ने हाथ खड़ा किया। हेलो सर, मैं पद्मजा सिन्हा कोलकाता से हूँ जी। मेरा व्हाई है कि लाइफ तो है, इसमें स्टाइल एक दिन था, अब रिटायरमेंट के बाद अब आगे मेरी जिंदगी का क्या होगा जी? अगर मेरे पास पावर है, टाइम है, मैं लर्निंग सीख लूँ, और जिंदगी जीने के लिए, अर्निंग करने के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं, तो वो सब मैं डिजिटल जाने बिना कैसे होगा जी? अभी तो डिजिटल की दुनिया है जी। मैं वहाँ राज्य करना चाहती हूँ, आप वो सब सिखाइए, मैं सब सीखने के लिए तैयार हूं और सब इंप्लीमेंट करूंगी। आप मुझे बोलने के लिए थैंक यू, और मैं झारखंड से हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी सर, क्योंकि मैं जॉब में थी तो जॉब में हमेशा बॉस का तलवार आपका गला में लटकते रहता था सर, तो ये रियलाइज हुआ कि जो भी काम आप करो उसको दिल से करो। बेहतरीन है कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ तो उसको दिल से करूँ तो बेहतर होगा सर ये, क्योंकि जॉब कर रही है तो 50-50% चांस वहाँ कम था सर कि मैं सक्सेस हो जाऊँ। ये इसलिए मैं चाहती हूँ कि सर इसे मैं दिल से करूँ, जो काम मैं दिल से करूँगी वो उस सक्सेस तक लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। आपने सुना मैडम ने कितनी बड़ी बात बोली कि लाइफ तो है बट स्टाइल ऐड करना है। उन्होंने बोला कि मैं जॉब करती हूं या करती थी, अभी भी कर रहे हो? छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, बहुत बढ़िया। तो हम सबके वाय अलग हैं, बट ये वाय मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इतने स्ट्रांग हैं? ध्यान से सुनना, क्या ये जो आपने वाय बोले हैं, क्या ये वाय इतने स्ट्रांग हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? हेलो, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपके जो वाय हैं, क्या ये वाय इतने स्ट्रांग हैं कि आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदले? नो yes. आपको लगता है यस, मुझे लगता है नो, इसीलिए तो यहां खड़ा हूं। अभी तक जो वाय है बहुत अच्छा है, वो वाय यहां तक ले आया आपको, तभी तो यहां बैठे। जो आपका वाय है वो यहां तक ले आया, लेकिन क्या यही वाय आगे तक लेकर जाएगा? नो, उसके लिए डीपर वाय चाहिए। हेलो, ध्यान से सुनना, आप एक एजुकेशन लेते हैं, वो एजुकेशन आपको 12th क्लास तक पहुंचा सकती है, लेकिन क्या वही एजुकेशन ग्रेजुएशन करवा देगी? नो, यू नीड सम डिफरेंट एंड डीपर एजुकेशन। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, क्या
उसी एजुकेशन को लेकर आप पीएचडी कर लेंगे? नो, यू नीड सम मोर डीपर एजुकेशन। जो आज जहां तक पहुंचे हैं अपने प्रेजेंट वाई की वजह से ही पहुंचे हैं, लेकिन इससे आगे जाने के लिए हमें डीप जानना पड़ेगा और गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, और अगले एक घंटे में मैं यही कराने वाला हूं। आर यू एंजॉइंग? आर यू एंजॉइंग? मजा आ रहा है? जब आपको मजा आता है तो आप कैसे मुझे बताते हो? मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ही इमोशनल पॉइंट्स हैं, बहुत शांत दिमाग चाहिए अगले एक घंटे के लिए। घर, परिवार, बच्चे, मोबाइल फोन, शेयर मार्केट, सब कुछ छोड़ देना, नौकरी सब छोड़ देना अगले एक घंटे के लिए, तभी मैं ये करवा पाऊंगा, क्योंकि मैं आपके दिल की गहराई में उतरने वाला हूं। क्या मुझे इजाजत है? यस, गुड। चलिए आइए, मेरा वाई है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सबसे पिटा हुआ शब्द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। मेरा वाई है मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, उससे भी ज्यादा घटिया शब्द, जो जिंदा है उसको कभी टाइम फ्रीडम मिल नहीं सकता। ये वो थ्योरीज हैं जो हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आम जनता को दी। यस और नो? आम जनता के लिए बढ़िया है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ढंटन भाई साहब मुझे ज्वाइन करा दो, आप पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, भाई साहब मुझे ज्वाइन करा दो, राइट? एंड इट इज गुड, हम गलत नहीं कह रहे, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, बट जब आप गहराई में जाओगे, व्हेन यू स्टडी डीपर, यू विल रियलाइज कि टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब बेकार की बातें, हमें पूरी जिंदगी काम करना है, लेकिन अपनी मर्जी से काम करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? Yes, हाथ ऐसे कुछ नहीं भाई साहब, मुझे हाथ चाहिए। Yes, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? Yes, या फिर आप अमीरों जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? दोनों में से क्या करना चाहते हैं? ना 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 ना, फंस गए ना मेरे बातों के बतंगड़ में, फंस गए ना? हम अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अमीरों जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहते। तो हम किस लिए अमीर बनना चाहते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। मेरा स्टेटस होना चाहिए, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी बोले वाह क्या बंदा है, जब चलता तो मजा आ जाता है, वाह क्या बंदा, क्या स्टाइल है इसका भाई, मजा आ गया, क्या कपड़े पहनता भाई, क्या गाड़ी है इस बंदे के पास। बस इसी के लिए तो हम ऐसी तैसी करा रहे हैं दिन में 24 घंटे। यस और नो? यस और नो? एम आई राइट? दोस्तों, अमीर बनना और अमीरों के जैसी जिंदगी जीने में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, हेलो, अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? और अमीरों जैसी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? माइंडसेट, एटीट्यूड, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं आपको भारत में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग दिखा सकता हूं जिनके अकाउंट में 100 करोड़ है, बट वो गरीब है क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट नहीं है। और मैं भारत में ऐसे अमीर लोग दिखा सकता हूं जिनके अकाउंट में शायद 50 लाख या 1 करोड़ है, बट दे आर लिविंग लाइक किंग्स, राजा की तरह जी रहे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, राइट? और इस फर्क के लिए हम आज ये जानना भी बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में कि मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है। यस सर? नो? हाँ, मेरे को इनकम आ रही है सर, मैं सक्सेसफुल हो गया। तू कर रहा है या कोई और कर रहा है? हो सकता है आपकी टीम में कोई कर रहा है, तो भाई साहब ये आपकी सक्सेस नहीं है, आपकी टीम की सक्सेस है। ऑल दो टीम की सक्सेस भी आपकी सक्सेस है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि कभी भी याद रखना, मर्सिडीज कार के आगे अगर साइकिल बांध दोगे तो वो साइकिल मर्सिडीज में उलझ जाएगी, उसको चलने नहीं देगी।
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी. रिफ्लेक्ट ऑन योर पैशन. आज हम आपके डीपर वाई में जाएंगे